हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास सेवन की यूनिट टू करने वाले हैं। इसका नाम है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को जान लेते हैं कि फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं और कैसे फ्रैक्शन होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ए फ्रैक्शन व्हूज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि कोई भी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 2/11, 3/16, 22/95 etc। इट मीन्स कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी नंबर्स में जो भी फ्रैक्शंस हैं उसमें क्या है, सबका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा है? छोटा है। यानी कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमिनेटर ऊपर नंबर को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर कहते हैं। सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन व्होज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर इसने कहा है कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और इक्वल हो किससे? डिनोमिनेटर से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, 10/7, 11/3, 15/2 etc। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। और यहाँ पर एक कंडीशन और लगी है, और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 4/4 इक्वल हो गया ना, तो ये भी कैसे होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आएगा। थर्ड वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें कहा है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, एक होल नंबर के साथ उसका क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एक लिखा हुआ रूप है किसका? होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको किस रूप में लिखते हैं? मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 1/1/3। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 1/3 है हमारा किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पार्ट है और एक होल नंबर का, ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। 2/1/7, 11/2/5 etc। ऐसे हम यहाँ पर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम किसी नंबर फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में, और या और हम डिवाइड करें सेम नंबर से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो कैसे कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर लिया 1/3, मैंने क्या किया इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई करती है, तो मुझे कितना मिला? 2/6। अब 1/3 में मैंने कितने मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, 4 से, 4/1 = 4, 4/3 = 12। मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किससे मल्टीप्लाई की? पहले 2 से, फिर किससे की है? 4 से, आपके पास किससे की है? 9 से। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने लिया 2/5, कोई मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा? 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही नंबर मिलेगा दोबारा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, मुझे नंबर कितना मिला? 4/10। ये जो नंबर मिला ये इसके इक्विवेलेंट कहलाएगा। सेम मैं एक अनदर नंबर लेकर दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने 2/5 में 4 से मल्टीप्लाई की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में, तो कितना मिला मुझे? 4/2 = 8, 5/4 = 20। ये भी इसके इक्विवेलेंट है क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बाद आता है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं जानते हैं? लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो बट लेकिन डिफरेंट न्यूमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर तो सेम हो बट उसके न्यूमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 5/14, 9/14, 11/14 etc। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों ही नंबर्स में जो इनके डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या? सेम ही है, बट जो न्यूमिनेटर है वो कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। अगर किसी भी
टू या थ्री या फोर नंबर फ्रैक्शन दिए हों और हमें उसमें पूछा है कौन कौन से नंबर लाइक होंगे, तो हम उसमें क्या देखेंगे, हम उसमें केवल ये देखेंगे कि किस किस नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 5/7, 9/13 etc। हम यहाँ पर देख रहे हैं ना तो यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है और ना यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए आइए एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। यह फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। राइट फोर इक्वलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे क्या कहा है, इसमें इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं, कितने लिखने हैं, फोर। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें से दो पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, दो पार्ट आप सेल्फ पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से क्वेश्चन लिख कर रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2.5 की मुझे कितने इक्वलेंट फ्रैक्शन चाहिए, फोर। मैं क्या करूंगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, एक नंबर मिल गया। फिर सेम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15, दो नंबर मिल गए। मैं 2.5 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2.5 विभाग किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, मुझे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुके हैं किसके, 2.5 के। इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हमको मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से नंबर के साथ करते हैं, होल नंबर जितना भी होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर के साथ और ऊपर जो भी रिमाइंडर होता है उसको उसमें एड करते हैं, अपॉन जो डिनोमिनेटर पहले से है वो इटसेल्फ रहता है। 3 × 1 = 3 और 2 × 5 = 3। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, अब आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में किया है, चलिए करके देख लेते हैं। 5/3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, एक मिल गया। सेकंड 5/3 × 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5/3 × 4 × 4, 5 × 4 = 20, 3 × 4 = 12। नेक्स्ट एक और चाहिए अभी, क्योंकि हमसे 4 पूछे हैं, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, ये हमारे क्या हो गए, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन नंबर टू में आपके यहाँ पर 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 में से मैं आपको 2 पार्ट करके दिखाऊंगा और बाकी आप सेल्फ ट्राई करेंगे करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड और 6 पार्ट लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रॉपर फ्रैक्शन वाले हैं और एक मिक्स फ्रैक्शन वाला भी ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को सेम कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, तो पहले इसको चेंज करेंगे सभी को प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5/6, 3 × 1 = 3 और 1/4/3। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे सारे नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुके हैं, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, तीनों ही रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 11, 6 और 3 का एलसीएम। एलसीएम लेना आई होप सभी का होता होगा, तो हम क्या करते हैं सबके डिनोमीटर का एलसीएम लेते हैं और उसका एलसीएम आएगा आपका 66। इसको नहीं आता वो उसको साइड से एलसीएम निकालेगा पहले, तो 11 के टेबल में कितना टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, तो 11, 6 = 66। तो जितने टाइम्स में टेबल आता है उसकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ करते हैं। 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 11 टाइम्स, तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 × 11। 3 से कितने टाइम्स आएगा, 22 टाइम्स, तो 22। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 = 18, 11 × 5 = 55, 22 × 4 = 88 अपॉन 66। अब ऐड करेंगे 8 × 5 = 13, 13 × 8 = 21, 1 carry 2, 8 × 2 = 10, 10 × 15 = 1 16 अपॉन 66। ये आपका आंसर होगा 6 पार्ट। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 × 5 = 15,
और 4 19 अपॉन 5 प्लस 10 रूट 20 और 3 23 अपॉन 10 प्लस 15 मतलब 15 और 1 16 अपॉन 15। एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 5 से कितने टाइम्स टेबल जाएगा 6 टाइम्स, तो 19 इंटू 6। 10 से कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, 10 3 30। 15 से कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, 19 6 जा 114, 23 3 जा 69, 16 2 जा 32 अपॉन 30। ऐड करेंगे 2 और 9 11, 11 और 4 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी लगी 1, 1 और 1 2 अपॉन 13। अब मुझे डाउट है कि साइज का आंसर प्रॉपर में दिया हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आपके आंसर शीट में सभी आंसर्स में सभी का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो अभी हमने जो पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ 5 से। 5 6 जा 5, 4 जा 20, 1 बचा 5 3 जा 15, तो आपका बचा 43 अपॉन 6। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 43 को किससे 6 से। 6 5 जा 40, 6 7 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो कितने टाइम टेबल्स किया 7 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 1, किसे डिवाइड किया था 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो 66 2 जा 132, कितने टाइम टेबल जाएगा 2 टाइम जाएगा, 161 माइनस 132 11 हो गया, 11 माइनस 2 9, यहाँ बचा 5, 5 माइनस 3 2, 29 अपॉन 66। आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो उसमें से जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसमें से रैंडमली 2 क्वेश्चन चूज कर लिए हैं जो आपको मैं कराऊंगा, बाकी आपको सेल्फ से करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। 3 2 जा 6 और 2 8 अपॉन 3 नेगेटिव 1 अपॉन 4। दोनों रेशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4, 1 1 रहेगा, 4 में कितने टाइम टेबल्स आते हैं 4 3 जा 12, 8 4 जा 32, 3 1 जा 3 अपॉन 12, माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 29 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो 12 टू जा 24, 5 अपॉन 12, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने थर्ड पार्ट लिया है, 2 होल 5 अपॉन 12, हमारा इसका मतलब आंसर करेक्ट है। इसी का मैंने यहाँ पर फिफ्थ पार्ट और लिया है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है 2 नहीं, तो सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 से 13 और 3 13 अपॉन 10, 15 मतलब 15 और 7 22 अपॉन 15। एलसीएम लेंगे 10 15 का, एलसीएम कितना आएगा 13। इसको एलसीएम लेना नहीं आता, मैं बता देता हूँ। पहले क्या करेंगे, जितने भी डिनोमीटर वाले नंबर हैं सबके डिनोमीटर लिख लेंगे, उसका एलसीएम करेंगे हम। जब तक एलसीएम करेंगे तब तक सब नीचे कितना ना आ जाए 1 1 ना आ जाए। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 15 15 एडिज रहेगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा कोई भी नंबर, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 3 5 जा 15। अब 5 से दोनों नंबर आएंगे 1 इंटू 1, ये जो हमारे मल्टीपल्स आते हैं इनकी प्रोडक्ट करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, व्हाट वी गेट मल्टीप्लाई 2 जो 6, 6 5 जा 30, यही हमारा इसका एलसीएम होता है। आई होप आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि डिनोमीटर, पहले वाले नंबर के डिनोमीटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे हमारा एलसीएम कितने टाइम्स आ रहा है, 10 3 जा 30, 3 टाइम्स आ रहा है। जितने टाइम्स भी जाता है उसी नंबर से ऊपर डिनोमीटर नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 2 जा 30, 2 टाइम्स आ रहा है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमीटर के साथ, 13 3 जा 39, 22 2 जा 44 अपॉन 30, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव 5 अपॉन
30, कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजा 5, 5 6 जा 30 विद नेगेटिव साइन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर लिया है, क्योंकि 10 3 30 और 3 33 होते हैं, हमने इसको 30 लिख लिया है, तो ये कितना है आपका 33 इंटू 3 ये बनेगा आपका 99 माइनस 44 कितना बचेगा आपका 55, वो भी किसका, पॉजिटिव का नंबर, कैंसिल कर लेते हैं, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 6 जा 30, तो आपको कितना बचा 11/6, और 11/6 को मिड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 6 पंजा 6 कितना रिमाइंडर बचा 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर में आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने इसमें से एक क्वेश्चन नंबर का एक पार्ट ले लिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि ये तो आप सिंपली आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं, इसमें दो फ्रैक्शन दिए हुए थे, आप कितने फ्रैक्शन हो गए 1, 2, 3, बट प्रोसेस सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये नंबर है तो 8, यहाँ पर मैं 8 के अपॉन 1 लिख लूंगा, तो ये बन जाएगा 8/1, इसको चेंज कर लूंगा, 4 टू जाए 8/1, 9/2, 4 टू जाए 8/1, 9/4, मेरा यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। अब क्या है, हमें सेम एक ही रूल फॉलो करना है जो पहले फॉलो कर रहे थे, क्या, सबसे पहले हम सबके डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर छोटे नंबर है 1, 2, 4, और मैं जानता हूँ उनका एलसीएम कितना आता है 4, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख लूंगा 4, अब 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 इंटू 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 बन जा 4, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 4 जा 32, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 अपॉन 4, 32 रहेगा, दोनों नंबर सेम नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 18 और 9 27 अपॉन 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5, क्योंकि यहाँ पर 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0, 5 अपॉन 4। अब हमें आंसर चेक करना पड़ेगा कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर तो नहीं दिया है, चेक करते हैं, इसके आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं तो उसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 5 पंजा 4 पंजा 4, 1 टाइम्स पूरा टेबल जा रहा है, कितना रिमाइंडर बचा 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, मैं इसका एक पार्ट और करने सोचता हूँ कि एक पार्ट और करा देता हूँ, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन है आपका, 8/5/6 -3/3/8 +1/7/12, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको इनको पहले सॉल्व करके मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा, 8 6 48 48 और 5 53/6, 8 3 24 24 3 27/8, 12 12 12 7 19/12, मैंने यहाँ पर सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, अब मैं यहाँ पर इनका एलसीएम लूंगा, 8 6 6 8 और 12 का एलसीएम आता है 24, आप साइड में इसको निकाल के देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, मुझे किसका लेना है, सबके डिनोमीटर का, 6, 8, 12 का एलसीएम, उसे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 से 3 2 2 जा 2 3 जा 3 3 रहेगा 2 1 जा 3 3 जा 3 डिवाइड करेंगे 1 × 1 × 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीपल्स की 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 2 × 2 × 2 × 3 व्हाट वी गेट 24 क्या हो गया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद हम फर्स्ट नंबर के पास जाते हैं और ये देखते हैं कि इस डिनोमीटर के टेबल में हमारा एलसीएम कितने टाइम्स आता है, 6 4 जा 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 रहेगा, 8 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 2 जा 2 टाइम्स आता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 का 2 कैरी 1 5 4 20 और 1 20 1 नेगेटिव 3 7 21 का 1 कैरी 2
थ्री टू जो सिक्स और टू एट, नाइनटीन टू जो थर्टी एट अपॉन ट्वेंटी फोर। ये भी नंबर ऐड है, ये भी नंबर प्लस का है, दोनों को पहले ऐड करेंगे। एट और टू टेन का जीरो कैरी वन, थ्री वन फोर और वन फाइव और टू एडिटिव रहेगा, नेगेटिव एटी वन अपॉन ट्वेंटी फोर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेन माइनस वन नाइन, या कितना बचा हमारा फोर, फोर माइनस एट नहीं जा सकते, कैरी ले ली फोर्टीन हो गया, फोर्टीन माइनस एट सिक्स, या कितना बचा वन अपॉन ट्वेंटी फोर। अब इसको मैं देख लेता हूँ, कैंसिल हो रहा है नाइन और टेन नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ट्वेंटी फोर सेवन जा वन हंड्रेड सिक्सटी एट, कितने मिनटर बचा वन अपॉन ट्वेंटी फोर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, सीमा हैज थ्री होल वन अपॉन फाइव मीटर ऑफ रिबन, सीमा के पास इतने मीटर रिबन है, सी के वन होल वन अपॉन टू मीटर आउट ऑफ द रिबन टू हर ब्रोदर, उसने क्या किया, इतने मीटर रिबन अपने भाई को दे दिया, हाउ मच रिबन इज लेफ्ट विद सीमा, तो पूछा है कि रीमा के पास कितना रिबन बचा। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास टोटल रिबन कितना था रीमा के पास, नंबर फाइव टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास, थ्री होल वन अपॉन फाइव मीटर, थ्री होल वन अपॉन फाइव मीटर, गिवन लेंथ ऑफ रिबन उसने कितना दे दिया, वन होल वन अपॉन टू मीटर, हमसे क्या पूछा है रिमेनिंग या लेफ्ट रिबन, लेफ्ट रिबन कितना रिबन बच गया, तो हम क्या करेंगे टोटल लेंथ में से जितना दिया उसको माइनस कर लेंगे, थ्री होल वन अपॉन फाइव माइनस वन होल वन अपॉन टू, क्या आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं बन गया, इसमें हमसे सब्ट्रैक्ट कराया था, सेम वही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, थ्री फाइव फिफ्टीन और वन सिक्सटीन अपॉन फाइव, टू वन टू और वन थ्री अपॉन टू, टेक एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा टेन, फाइव से कितने टेबल टाइम जाता है टू टाइम्स, तो सिक्सटीन इंटू टू, टू से कितने टाइम्स आता है फाइव टाइम्स, तो इंटू फाइव, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, थ्री फाइव जो फिफ्टीन अपॉन टेन, ट्वेल्व माइनस फाइव, क्योंकि फाइव में से टू में से फाइव नहीं जाएंगे कैरी लेंगे, ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन, यहाँ कितना बचा टू, टू माइनस वन वन अपॉन टेन मीटर। हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं सभी किसमें दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमें आंसर भी किसमें छोड़ना है मिक्स फ्रैक्शन में, टेन वन जा टेन, कितने मीटर बचा सेवन अपॉन टेन मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अब कितना रिबन बचा है वन होल सेवन अपॉन टेन मीटर।